नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। बिजली बोर्ड कर्मियों का जून में नहीं कटेगा एनपीएस शेयर, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को दिया आश्वासन। जय मुख्यमंत्री सुखबिंदर सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों को एक बार फिर ओल्ड पेंशन बहाल होने का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के एनपीएस शेयर अब नहीं काटा जाएगा। वह साथ ही जुलाई के दूसरे सप्ताह में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के साथ मुख्यमंत्री की एक अहम बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में बिजली बोर्ड के लंबित मामलों पर चर्चा होगी। वहीं बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों को मंगलवार शाम बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस बैठक को स्थगित करना पड़ा है। वहीं बैठक स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे बिजली बोर्ड कर्मचारियों यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पदाधिकारियों ने ओल्ड पेंशन बहाल करने और एनपीएस शेयर न काटने के बारे में अपनी बात रखी। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री सुखबिंदर सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों को भरोसा दिया है कि जून माह में एनपीएस शेयर नहीं काटा जाएगा। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के मानदेय में होगी 10,000 रुपये की बढ़ोतरी, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। जय मुख्यमंत्री सुखबिंदर सुक्खू ने बुधवार को प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत पैरामेडिक्स के अन्य वर्गों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने IGMC शिमला में आयोजित अलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट के वार्षिक समारोह इनफ्यूजन 2023 के अवसर पर स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के नवनिर्मित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। बता दें कि इस काउंसिल का गठन हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का पुनर्गठन करके किया गया है। हिमाचल में होम स्टे पर सेस लगाने की तैयारी, सरकार जल्द ला सकती है नई नीति, यह है पूरा प्लान। जो सरकार होम स्टे पर सेस लगाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, इस विषय को लेकर पहले आधिकारिक स्तर पर बैठकें आयोजित हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखबिंदर सुक्खू ने भी विभागीय समीक्षा बैठक में सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया है। वह बता दें कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में बने होम स्टे पर्यटकों को बहुत अधिक पसंद आ रहे हैं। शिमला में ई बसों के लिए स्थापित होंगे 5 नए चार्जिंग स्टेशन, सरकार ने जारी की 3,63,00,000 की राशि। जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को हाल ही में 20 नई ई बसें मिली है। वहीं इन बसों के लिए सरकार अब नई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। बता दें कि शिमला में 5 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सुक्खू ने बताया कि इसके लिए सरकार ने 3,63,00,000 की राशि जारी कर दी है। ज्यूरी से बजा फांचा श्रीखंड महादेव यात्रा पर सरकार ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के ज्यूरी से बजा फांचा श्रीखंड यात्रा पर वर्ष 2014 से सरकार ने रोक लगाई है। वह कारण यह है कि इस मार्ग पर अधिक जोखिम और बर्फबारी होती है। वह क्षेत्र के लोग इस यात्रा को बहाल करने की लगातार मांग उठाते आ रहे हैं। वह करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए वया फांचा होकर दशकों से श्रद्धालु जाते रहे। यहां से श्रीखंड पहुंचने के लिए कुल्लू जिले के वया बागी पुल मार्ग की अपेक्षा 15 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन वया फांचा होकर श्रीखंड का रास्ता अधिक जोखिम भरा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने इस मार्ग को होकर यात्रा पर रोक लगा रखी है। नशे के जाल से जल्द आजाद होगा हिमाचल प्रदेश सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बीच हुआ समझौता। जी, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था हिमाचल प्रदेश में नशा उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार का सहयोग करेगी। इस संबंध में मंगलवार को प्रदेश सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बीच शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखबिंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वे बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से सचिव प्रशासनिक सुधार सीमन पाल रासु और संस्था की ओर से BPS राणा ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस के तहत आध्यात्मिक गुरु रवि शंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग राज्य सरकार का नशा उन्मूलन में पूर्ण सहयोग करेगी और वह भी संस्था ही वहन करेगी। सड़क से 500 मीटर नीचे खड्ड में गिरा कार, 4 लोगों की मौत, 1 घायल। जे पुलिस थाना रामपुर के तहत आने वाली कलेडा मझेवटी सड़क पर बुधवार सुबह 8 बजे एक कार सड़क से 500 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, वह जबकि एक युवती घायल हो गई। वह युवती को खनेरी अस्पताल से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला रेफर कर दिया है। वह बता दें कि पुलिस मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन करने में जुट गई है। जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 13 दिन बाद सलोनी से धारा 144 हटाई। जे मनोहर हत्याकांड में किशोर न्याय बोर्ड चंबा या तीसा ने 3 नाबालिग आरोपियों की जमानत के फैसले को 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। इस मामले में 3 आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा या तीसा में पेश किया गया। वही पुलिस ने बोर्ड के समक्ष आरोपियों को जमानत न देने की अपील की। इसके बाद बोर्ड ने जमानत का फैसला 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा। वही बता दें कि इस मामले पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें से 3 आरोपी 18 साल से कम आयु के हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विश्व बैंक ने हिमाचल को दिए 16,000 करोड़। हिमाचल प्रदेश में बिजली सुधारों को सुविधाजनक बनाने और नवीकरण ऊर्जा को हिस्सेदारी बढ़ाने के विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने राज्य सरकार को लगभग 16,400 करोड़ रुपये यानी कि $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है।
हिमाचल के अशोक के नाम से जाना जाएगा क्षुद्रग्रह 2001 FG-122। हिमाचल के बेटे डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने अंतरिक्ष विज्ञान में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को समूचे विश्व में गौरवान्वित किया है। वह अंतरिक्ष खगोलीय संघ के वर्किंग ग्रुप स्मॉल बॉडीज नॉर्मन क्लेचर ने दुनिया के वैज्ञानिकों के नाम पर क्षुद्रग्रहों का नाम रखने का ऐलान किया है। इनमें 4 भारतीय वैज्ञानिकों की सूची में नासा में तैनात हिमाचल के अशोक कुमार वर्मा का नाम भी शामिल है। वहीं बता दें कि IAU ने क्षुद्रग्रह 2001 FG-122 का नाम उसके नाम पर रखा है। वहीं बता दें कि नाहर में 1984 में जन्मे वर्मा पिछले 2 साल से नासा में भारतीय खगोल वैज्ञानिक है। 30 करोड़ जमा करवाने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम होगी जदरांगल की जमीन। जे केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल में बनने वाले नॉर्थ जोन कैंपस के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वह अगस्त माह के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए चिन्हित जमीन CU प्रशासन के नाम हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार को करीब 30 करोड़ रुपये केंद्रीय वन मंत्रालय के पास जमा करवाने होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मनाली में चरस के साथ मंडी का युवक गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। जे पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस ने 421 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वह चरस के साथ पकड़े गए शख्स की पहचान रजनीश उर्फ राजू निवासी गांव मनसील बदानी तहसील पद्धर जिला मंडी के तौर पर हुई है। वह पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बता दें कि मामले की पुष्टि करते हुए SP कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि थाना मनाली की टीम ने बुधवार को ट्रक यूनियन मनाली के पास नाका लगा रखा था। वह इस पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 421 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगस्त में आयरलैंड के दौरे पर जाएगी भारतीय टीम, खेली जाएगी 3 मैचों की सीरीज। जब भारतीय टीम अगस्त में 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेलने के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी। वह इस दौरे पर भारतीय टीम 18, 20 और 23 अगस्त को मेजबान आयरलैंड से भिड़ेगी। वह क्रिकेट आयरलैंड के मुख्य कार्यकारी वारन ड्यूट्रोम ने मंगलवार को जारी बयान में कहा, हम 12 महीने में दूसरी बार आयरलैंड में भारत का स्वागत करते हुए खुश हैं। हमने 2022 में 2 मैच बिकते हुए देखे, इसलिए इस साल 3 मैचों की श्रृंखला होने से और भी अधिक प्रशंसकों को इस अवसर पर आनंद लेने का मौका मिलना चाहिए, वह जो हमेशा एक यादगार आयोजन होता है। वह भारत ने पिछले साल 2 मैचों की T20 सीरीज में मेजबान आयरलैंड को 2-0 से हराया था। वह आयरलैंड से पहले भारत को टेस्ट, एक दिवसीय और T20 सहित 3 प्रारूपों में वेस्ट इंडीज का सामना भी करना है। लैपटॉप तो मिले पर ब्रॉडबैंड की सुविधा नसीब भी नहीं, संयुक्त पटवार कानूनों को संघ ने CM से मांगा समाधान। जे राजस्व विभाग के अधिकांश कार्य ऑनलाइन कर दिए जाने पर बेशक राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध करवा दिए गए हो, लेकिन पटवार घरों में ब्रॉडबैंड की व्यवस्था न होने से पटवारियों को ऑनलाइन कार्य निपटाने में भारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वह सोमवार को प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनों को संघ का एक प्रतिनिधिमंडल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिला। बता दें कि संघ ने कहा है कि राजस्व विभाग के अधिकांश कार्य ऑनलाइन किए जा चुके हैं, लेकिन पटवार घरों में ब्रॉडबैंड की सुविधा न होने से पटवारियों को खासी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। वह पटवार घरों में इंटरनेट की सुविधा के साथ प्रिंटर मुहैया करवाए जाए तो राजस्व विभाग के कार्य और सुगम हो जाएंगे। वह इस पर मुख्यमंत्री ने भी सकारात्मक आश्वासन दिया है। इस अवसर पर संघ के राज्य महासचिव चंद्रमोहन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमराज, जिला प्रधान शिमला चमन व अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर, सड़क खराब तो भेजें व्हाट्सएप। PWD मंत्री ने विभागीय कार्यप्रणाली सुधारने को जारी किया नंबर। जिन लोक निर्माण विभाग ने आपात स्थिति से निपटने को व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर की मदद से सड़कों की हालत की रिपोर्ट अब सरकार तक पहुंचेगी। वह लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह खुद इस नंबर से मिलने वाली रिपोर्ट की निगरानी करेंगे। वह खास बात यह है कि व्हाट्सएप की जानकारी जुटाने के बाद विभागीय टीम लोगों की समस्या का निवारण भी करेगी। वह लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह नंबर जारी किया है 9317900663 पर देश भर के किसी भी कोने से व्हाट्सएप किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान जो भी समस्याएं विभाग के पास पहुंचेगी उनके निवारण के आदेश तत्काल दिए जाएंगे। विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर इन समस्याओं को हल करेंगे और इसकी रिपोर्ट अधिकारियों के माध्यम से उनके पास आएगी। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।